जिन बच्चों ने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़न मुकम्मल किया है उनके सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी। दस्तार फजीलत का मंजर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। दस्तार फजीलत का मंजर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। है देखिए कितना जा परवर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। है देखिए कितना जहाँ परवर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। सिर समाप्त फरमाएं कि हो फौज का दर्जा क्या कहिए, है इनका जो रुतबा क्या कहिए। हो फौज का दर्जा क्या कहिए, है उनका जो कहिए। मौला के यहाँ रोजे महशर मौला के यहाँ रोजे महशर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। दस्तार फजीलत का मंजर और शेर समाप्त कि ये नन्हे मुहाफिज कुरान के जांबाज सिपाही ईमान के। ये नन्हे मुहाफिज कुरान के जांबाज सिपाही ईमान के। महबूब खुदा ओ पैगंबर महबूब खुदा पैगंबर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। दस्तार फजीलत का मंजर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। के कुरान की आयत पढ़ते हैं अल्लाह से बातें करते हैं। कुरान की आयत पढ़ते हैं अल्लाह से बातें करते हैं। अल्लाह से बातें करते हैं हर लैल नहार शाम सहर हर लैल नहार शाम सहर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। दस्तार फजीलत का मंजर जीनों पे तरक्की के ये सब फिर दोस में चढ़ते जाएंगे। जीनों पे तरक्की के ये सब फिर दोस में चढ़ते जाएंगे। कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। दस्तार फजीलत का मंजर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। ये सात जहन्नम वालों को फिर दो से बरी ले जाएंगे। ये सात जहन्नम वालों को फिर दो से बरी ले जाएंगे। है रब की इनायत खास इन पर है रब की खास इन पर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। दस्तार फजीलत का मंजर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। जिन
खुश नसीब माँ बाप के बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, मैं उनकी नजर कर रहा हूँ शेर कि माँ बाप के सर पर हाफिज के जो ताज कयामत में होगा, माँ बाप के सर पर हाफिज के जो ताज कयामत में होगा, चमकेगा वो सूरज से बढ़कर, चमकेगा वो सूरज से बढ़कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दस तार फजीलत का मंजर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो तमाम मदारिस इस्लामिया को ज़हन में रखें जो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि ये फूल खिले जिस गुलशन में वो रश के गुलिस्ता हो जाए, ये फूल खिले जिस गुलशन में वो रश के गुलिस्ता हो जाए, आंगन में हो उसके शम्स कमर, आंगन में हो शम्स कमर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दस तार फजीलत का मंजर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बोझ पहाड़ों से न उठा कासिर हुए जिसे अर्ज़ो समा, कासिर हुए जिसे अर्ज़ो समा, बच्चों ने उठाया है हंसकर, बच्चों ने उठाया है हंसकर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد। मोहतरम सामईन व हाज़िरीन जलसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें आज फिर मदरसा मोहम्मदी फ़ारूक नगर का सालाना जलसा मुनाकिद करने की तौफीक अता फ़रमाई। मोज़्ज़ज़ सामईन, इस मदरसे की बुनियाद 17 जून 2000 को हज़रत मौलाना मरहूम कारी मोहम्मद उस्मान साहब मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह, साबिक उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद और साबिक सदर जमीयत उलमाए हिंद के दस्त मुबारक से रखी गई। मोहतरम सामईन, ये मदरसा रफ्ता रफ्ता रोज़ बरोज़ तरक्की की जानिब कदम बढ़ाता रहा और अब यह अपना समर यानी फल देने लगा है। आप हजरात को मालूम है कि 3 साल से जलसा बंद था, अल्लाह ताला ने हमें इम साल जलसा करने की तौफीक अता फरमाई। ये खबर देते हुए बड़ी खुशी और मसर्रत हो रही है कि इम साल 10 तलबा की जिन्होंने तकमील हिफ्ज कुरान मजीद की सआदत हासिल की है उनकी दस्तार हो रही है। अल्लाह ताला हमारी इन मेहनतों को और कोशिशों को और आप हजरात के ताउन को कबूल फरमाएं। मुअज्जज सामईन, जैसा कि आप हजरात को मालूम हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों से कोरोना वायरस की वजह से मदारिस इस्लामिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसका असर अभी तक मदारिस इस्लामिया पर बाकी है, जिसके बिना पर मदारिस इस्लामिया में तलबा की तादाद कम हुई। बहरहाल आपके इस इदारा मदरसा मोहम्मदी की सालाना कारकर्दगी की तफसील इस तरह है। 12 शव्वाल 1443 से मदरसे के तालीमी साल का आगाज़ हुआ और तकरीबन 60 तलबा का मदरसा में दाखिला हुआ, चुनानचे चंद तलबा बीमारी या घरेलू मजबूरी की वजह से अपने घर चले गए। अलबत्ता 40 तलबा ने पूरे साल तालीम हासिल की, जिसकी एक झलक चंद घड़ी पहले
तलबा की तरफ से पेश की गई, जैसे तिलावत कुरान है, मदह रसूल है और तकारीर की शक्ल में आप हजरात ने मुलाहिजा फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदरसे का अमला 12 अफराद पर मुश्तमिल है। एक मुदर्रिस दर्जे हिफ्ज़ व तजवीद के लिए हैं, 3 मुदर्रिस दीनियात अव्वल, दीनियात दुवम, दीनियात सुवम के लिए और 4 मुदर्रिस सुबह शाम चलने वाले मकतब के लिए, जिसमें पढ़ने वाले तलबा की तादाद तकरीबन 80 है। एक निगरान और 2 सफ़ीर मकामी और 2 बावर्चन मुकर्रर हैं। फ़िलहाल मदरसे का माहाना खर्च तकरीबन 1.5 लाख है। इसके अलावा तामीरी काम का मंसूबा भी है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस तामीरी मंसूबा बंदी को पाए तकमील तक पहुँचाए। उम्मीद है कि आप हजरात की तरफ से आइंदा भी भरपूर ताउन मिलता रहेगा, ताकि मिल्लत इस्लामिया का ये नन्ना सा पौधा तरक्की की राहों में गामजन रहे। आप हजरात से गुजारिश हैं कि इस कार्य खैर में अपनी तरफ से और अपने मरहूमीन की तरफ से हिस्सा लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हजरात, ये थे मदरसा हादा के मौक़र उस्ताद मौलाना हाशिम साहब, जो आपके सामने रिपोर्ट पेश फरमा रहे थे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उर्दू मीडिया नागपुर। इस तरह की दीनी व मिली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मोहम्मद जैद अंसारी, उर्दू मीडिया नागपुर।